प्रदर्शन है, जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन, वहीं बॉर्डर पर किसान और पुलिस में नोकझोंक भी हो गई। लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये सरकार की अहम की बात है। ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। बातों बातों में लाठियों की बरसात होते हैं, बात बातों में पानियों की भौचार होते हैं, आंसू गैस की बम फेंका जाते हैं। ये सरकार की एक क्रूरता की खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान एकजुटता दिखा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के किसानों के चलते हम भी उनके साथ आई उनकी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है क्योंकि ये सरकार किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, मंडी को समाप्त करके पूंजीपतियों को कॉरपोरेट वालों को हाथ में देश की किसान और साथ साथ 25 लाख करोड़ों की जो व्यापार होते हैं किसान कृषि में, ये सारे करोड़पतियों के हाथ में ये सौंपना चाहते हैं। इसलिए ये क्रूर कानून, ये देश विरोधी जो कानून, किसान विरोधी जो कानून, ये कानून को सरकार वापस ले, ये मांग हम लोग एक साल से कर रहे हैं, आज भी करेंगे। मैं खुद एडजॉइनमेंट मोशन डाले हैं कि सरकार सारे कुछ भूल कर आज किसान की मुद्दे पे लेकर सदन में चर्चा कर फैसला ले कि ये काले कानून, ये क्रूर किसी कानून को ये प्रत्याहार करे, इसको वापस ले और किसानों की आज तक ये महीनों भर की जो आंदोलन, ये आंदोलन की स्वीकृति दे, ये आंदोलन को मान्यता दे, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। अन्नदाता के ऊपर इस तरीके के अत्याचार, इस तरीके की बर्बरता, इस तरीके की कठोर कदम हिंदुस्तान के कोई आदमी मानने के लिए तैयार न है। मोदी जी अगर ये सोचे कि उसका अहंग की जीत होगी तो गलत फहमी है। उनकी अहंग के नहीं, हिंदुस्तान के लोग उनको हिंदुस्तान। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पर कहा है, बता दें कि आज जंतर मंतर पर किसान का प्रदर्शन है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जंतर मंतर से। अमित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज किसानों का प्रदर्शन है, इसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है आगे? देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कम से कम अब उन्हें इजाजत मिल गई है, सरकार उनके बारे में क्या सोचती है। हमने खास तौर पर सवाल किए कि जिस तरह से तमाम, चाहे वो सरकार के मंत्री हो या बीजेपी के नेता, उनका कहना था कि जो प्रदर्शन कर रहे वो किसान नहीं है, उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा, इसे लेके युद्धवीर सिंह साफ तौर पर कह रहे थे कि खासतौर पर किसी के सर्टिफिकेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और उन्हें लगता है अगर ये किसान नहीं है तो ये कौन लोग हैं, और इसके लिए भी बीजेपी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी चीज कि ये एक माहौल, खासतौर पर जो जंतर मंतर पे 200 किसानों को प्रदर्शन की इजाजत मिली है, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बना है। और जो जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं बीजेपी नेता या बीजेपी के मंत्री की, ये राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक एजेंडा है, इससे लेके भी किसान नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सरकार उनकी मांगे मान लेती तो ये प्रदर्शन पहले ही खत्म हो जाता और अपने आप सरकार को पता चल जाता कि ये क्या राजनीतिक एजेंडा था या नहीं था। तो जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। एमएसपी लेके जो सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, जो लिखित गाइडेंस की बात की जा रही है, वो अब तक सरकार ने नहीं दिया है, और यही किसानों की सबसे बड़ी मांग थी जिसे लेके किसानों में रोष था। हालांकि जब खासतौर पर 11 दौर की वार्ता विफल हुई है तो उसके पीछे एजेंडा दूसरा था, किसानों ने साफ कर दिया था कि तीनों कृषि बिल ही वापस होने चाहिए जिसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। अब किसान आगे क्या रुख अपनाते हैं वो देखना होगा, लेकिन आज क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन खासतौर जंतर मंतर में प्रदर्शन को लेकर ना सिर्फ किसान उत्साहित हैं बल्कि जो लोग खासतौर पर जंतर मंतर पहुंचने वाले वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं उसके बाद में आगे की कार्रवाई शुरू होगी, खासतौर पर जो किसान संसद की बात की जा रही है, और आगे किसान किस तरह का एजेंडा रखते हैं, क्योंकि ये जो किसान आज प्रदर्शन करेंगे ये कल वाले प्रदर्शन में मौजूद नहीं होंगे, कल दूसरे किसान इस प्रदर्शन में मौजूद होंगे। तो जाहिर तौर पे अब जो बदल के 200 किसान आएंगे और यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे तो उनके बीच किस तरह की केमिस्ट्री बनाई जाती है, किस तरह का किसान अपना एजेंडा क्रिएट करते हैं, क्या इसके सरकार
जी जी अमित, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि किसान बिल के खिलाफ समर्थन में राहुल गांधी मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों के समर्थन के लिए राहुल गांधी आगे आए हैं। अमित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी भी समर्थन के लिए आगे आए हैं। राहुल जी, सरकार पेगासस को लेकर राहुल जी आपको क्या लगता है किसानों के मसले को? किसान जनता मंत्र पर आकर खड़ा है, कैसे हो भाई? देख लीजिए, गड़बड़ हो गया सामने। राहुल जी, पैरेलल संसद चलाने की बात कर रहे हैं किसान, कर लेंगे। राहुल जी, जाएंगे आप संसद पैरेलल संसद चला रहे हैं, आप जाएंगे वहाँ? जय सर, सर वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद हैं और भगवंत महंत भी मौजूद हैं। बता दें कि किसानों का आंदोलन